लिसन टू योर इंट्यूशन द इनर वॉइस। सो आज इस वीडियो में हम इनर वॉइस के ऊपर बात करेंगे कि ये इंट्यूशन क्या है, कैसे हम अपनी इंट्यूशन को लिसन सुन सकते हैं, है ना। एक्चुअली ये बहुत डीप है ना, ये जो टॉपिक है आज का बहुत डीप टॉपिक है, क्योंकि इसको आप तभी समझ सकते हो जब आप अपने अंदर की जो इनर वॉइस है उसको सुनोगे। हर इंसान के अंदर इनर वॉइस होती है, हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जिसको उसको सुनना होता है। कुछ लोगों से परमात्मा की आवाज बोलते हैं, कुछ लोगों से हमारी आत्मा की आवाज बोलते हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर है, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कायोस में जी रहे हैं, हम अपने अंदर जा ही नहीं रहे हैं और बाहर की आवाजों में उलझे हुए हैं, है ना। भगवान आपको आवाज दे रहे हैं अंदर से कि भाई तू मुझे सुन, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है उस आवाज पर। हमारा ध्यान है ही नहीं कि वो चीज हम सुन सके, हमारा ध्यान है लड़ाई झगड़ों में, हमारा ध्यान है प्रॉब्लम्स में, हमारा ध्यान है उन ऐसी चीजों में जो हमारे काम की है ही नहीं। इसलिए जो हमारे अंदर की आवाज है वो सबकी दब गई है, हमारे सबकी जो आवाज है ना वो दब गई है, और आवाज सबके अंदर है बट सुनना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सुन पाते हैं, वो इसलिए सुन पाते हैं, उसके कई सारे फैक्टर हैं, एक्चुअली कई सारे रीजंस हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है कि क्यों अपने इनर वॉइस को हम पा सकते हैं। अब अगर आप इनर वॉइस अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं मिलेगी, मिल सकती है। जिस दिन आपको रियलाइज हो जाए कि मुझे अपने अंदर की आवाज सुननी है और कुछ नहीं करना है, मुझे लाइफ में जो भी कुछ करना है अपने इंट्यूशंस के बेसिस पे करना है, और आप देखना कि अगर आप अपने आवाज के थ्रू जो भी आप सुनते हैं ना और जो भी आप करेंगे आउटर वर्ल्ड में वो सब काम होते चले जाएंगे। लेकिन सच में इसमें टाइम लगेगा, इसको समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो बहुत ही हल्की आवाज है, वो आवाज कहीं ना कहीं दब गई है। बाहर की आवाज तो आराम से सुन रहे हैं हम लोग जो कायोस हो रखा है, लेकिन अंदर की आवाज जो है कहीं ना कहीं दब गई है और बहुत ही हल्की आवाज है। इसलिए अगर आप उस हल्की आवाज को जो आपसे कुछ बोल रही है, जो विस्पर कर रही है आपके कानों में, उसको आपको सुनना है, और उसको आपको तभी सुनना होगा जब आपका माइंड जो है शांत होगा, जब आपके जो थॉट्स चल रहे हैं ना पास्ट और फ्यूचर के, जो आपकी लड़ाइयां चल रही हैं आउटर वर्ल्ड में, जो आप प्रॉब्लम्स में जिए जा रहे हैं जब आप उनको कम करेंगे तभी उस इंट्यूशंस को, उस इनर वॉइस को सुन सकते हैं, ओके। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में बात करता हूं कि कैसे हम, फिर भी हमें एक वे तो पता चले कि कैसे सुने, काफी लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे लिसन, कैसे अपनी अंदर की आवाज सुननी है, राइट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिससे आप कोई भी एज में हो आप अपनी अंदर की आवाज सुन सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, ओके। फर्स्ट पॉइंट, क्रिएट स्पेस फॉर साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। जी हाँ, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है, आपकी हेल्प करेगा आपके जो इनर वॉइस है, अंदर की जो आवाज है उसको सुनने में। जी हाँ, अगर आप कुछ टाइम अपने साथ टाइम बिताते हैं, कुछ टाइम सॉलिट्यूड में रहते हैं, 10-15 मिनट्स ऑन डेली बेसिस पर अगर आप अपने साथ टाइम बिताते हैं, तो आप देखना कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने अंदर की आवाज सुनने लगेंगे। आपके अंदर से एक आवाज आ रही है, हर किसी के अंदर आ रही है, और उसको हम नाम नहीं ले सकते वो क्या आवाज है, है ना। लेकिन अगर आप उसको सुनना शुरू करेंगे, शुरू शुरू में डिफिकल्ट होगा, कई टाइम लग सकता है, मंथ्स लग सकते हैं, ईयर्स लग सकते हैं, लेकिन सुनाई जरूर देगी। और वो कब देगी, जब बाहर का कायोस कम होगा, जब आप खुद अपने साथ कुछ टाइम बैठेंगे। सेकंड पॉइंट, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जी हाँ, जब आप माइंडफुलनेस स्टेट में रहते हैं, इसका मतलब यह है कि जब आप अपने थॉट्स को अवेयर रहते हैं, थॉट्स के लिए अपनी सेंसेशंस के लिए अवेयर रहते हैं, जो भी बॉडी में एक्टिविटी हो रही है खुद के अंदर उसके लिए अवेयर रहते हैं, तो वो चीज आपकी हेल्प करती है आपकी इनर वॉइस सुनने में। जी हाँ, आपकी जो अंदर से आवाज आ रही है ना हल्की सी, उसको सुनने में हेल्प करती है ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, है ना। और वो तभी हो सकता है जितना ज्यादा आप बॉडी को स्कैन करेंगे, जितना ज्यादा आप उस सेंसेशंस को फील करेंगे अपने बॉडी में, अपने थॉट्स में, है ना, तभी ये हो सकता है, अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं सच बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट, ट्रस्ट योर गट फीलिंग्स। जी हाँ, हमें अपनी जो गट फीलिंग है, आपने काफी लोगों के मुंह से सुना होगा राइट, कि तेरे अंदर से जो गट फीलिंग है ना उसको फॉलो कर, कुछ मत कर, जो तेरे अंदर से आ रहा है वो कर दो। बहुत लोगों के मुंह से आपने ये सुना होगा, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, बाहर दुनिया वालों के डर से कि दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में, अगर मैंने जो मेरे अंदर आ रहा है उल्टा सीधा जो भी मेरे अंदर आ रहा है अगर मैंने उसको कर दिया तो दुनिया हंसेगी, दुनिया ये दुनिया वो, है ना। लेकिन कुछ लोग करते चले जाते हैं, तो वो क्यों, क्योंकि वो गट फीलिंग जो उनके अंदर से जो फीलिंग है ना वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है
कि वो उसको ही सच्चाई मानने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये चीज मुझे गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा सकती। जैसे आप हम भगवान पर गॉड पर बिलीव करते हैं हम सब लोग, हमें पता है कि मैं अगर उस पर ट्रस्ट करूंगा, मैं अगर गॉड को मानूंगा, उसकी उसके बारे में एक फेथ रखूंगा, तो वो मेरे लिए हमेशा सही करेगा, चाहे वो गलत हो, चाहे वो मैं मेरे लिए कुछ भी फेलियर्स हो, लेकिन वो चीज मेरे लिए सही होगी क्योंकि वो मेरे ऊपर फेथ रखा हुआ है, है ना, क्योंकि मुझे उसके ऊपर फेथ है ना। तो यही आपकी गट फीलिंग बोलती है कि अगर आप अपने इनर वॉइस के थ्रू जो भी काम करना चाहते हैं अगर आप करते हैं तो वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाती है, क्योंकि गलत सही तो फिर कुछ है ही नहीं ना। गलत सही किसकी नजर में? आपकी नजर में है ना। तो अगर गलत भी होता है तो आपने ऊपर वाले के ऊपर डाल दिया कि जो कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है, चाहे गलत कर रहा है चाहे अच्छा कर रहा है। अगर अच्छा कर रहा है तो भी ऊपर वाला कर रहा है, गलत कर रहा है तो भी ऊपर वाला कर रहा है, यानी कि आप मीडिएटर हैं, आप एक टूल हैं, ऊपर वाला आपको टूल की तरह यूज कर रहा है। सिंपल, ऊपर वाला आपको टूल की तरह यूज कर रहा है। वो चाहता है इस पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हों जो एक अपने आप को परफेक्ट टूल्स बनाए जिनके थ्रू वो काम कर सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत डीप मीनिंग है इस सेंटेंस का एक्चुअली, और मुझे भी कई साल लग गए इस चीज को समझने में। काफी लोगों के मुंह से सुनी थी ये चीजें, लेकिन इसको समझने में कई साल लग गए कि ऊपर वाला आपको एक ऐसा टूल बनाना चाहता है जिसके थ्रू वो काम कर सके। वो नहीं आएगा, लेकिन वो आपके थ्रू काम करवाना चाहता है ऊपर वाला। तो वो क्या है? वो आपकी गट फीलिंग है, आपकी इनर वॉइस है, अंदर की आवाज। और वो तभी आप उसको सुन सकते हैं जब आप अपनी गट फीलिंग को सुनना शुरू कर देते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट, जर्नलिंग। जी हाँ, जो जर्नलिंग होती है ना, जो हम लिखते हैं अपने थॉट्स, वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपके इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए। आपकी जो इनर वॉइस है उसको आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर आप जर्नलिंग करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, जर्नलिंग क्या? जर्नलिंग की आपके जो भी थॉट्स में आ रहा है, आपकी सपोज करिए आपने रात में आपने पूरे दिन जो भी किया है उस बुक में आप लिख रहे हैं, उस कॉपी पर आप लिख रहे हैं कि मैंने ये किया मैंने ये किया, और आपके जो प्लान्स हैं गोल्स हैं उस कॉपी पर लिख रहे हैं, और कैसे भी उसको जज नहीं कर रहे हैं आप, चाहे वो प्लान्स इमेजिनरी हो या अनइमेजिनरी, चाहे वो आपको लग रहा है कि वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो मैटर नहीं करता। आप बस लिखे जा रहे हैं, है ना, आप बस लिखे जा रहे हैं, एक तरीके से सेल्फ टॉक जिसे हम बोलते हैं, अफर्मेशन सेंटेंसेस, कि आप उन चीजों को लिखे जा रहे हैं विदाउट जजमेंट। तो वो चीज ना एक टाइम पर आपकी इनर वॉइस से कनेक्ट कर जाती है, आपकी गट फीलिंग से कनेक्ट कर जाती है, और वही टाइम है जब आप अपनी इंट्यूशन की आवाज को लिसन कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। जी हाँ, एक्टिव लिसन यानी कि केयरफुली अपने आप को सुनना, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, आपकी बॉडी में जो भी हो रहा है उस चीज को, है ना। तो आप देखेंगे कि ये चीज आपकी हेल्प करेगी आपके इंट्यूशंस को फाइंड करने में, आपकी इनर वॉइस को फाइंड करने में, और आपके काम फिर होते चले जाएंगे अपने आप ही, अंडरस्टैंड। तो वो तभी हो पाएगा जब आप एक्टिवली लिसन कर पाएंगे, जब आप अपने अंदर जाके उस आवाज को सुन पाएंगे। अदरवाइज हो क्या रहा है, हम बाहर की आवाज़ें सुने जा रहे हैं, तो हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, हम इन चीज़ों में बाहर की आवाज़ें सुनते रहेंगे पूरी जिंदगी, मैं सच बता रहा हूँ। इसलिए भाई, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपकी लाइफ है और एक ही जीवन मिला है, बार बार नहीं आएगा। कभी आप सोच रहे हैं कि आपको मिलते रहेगा, है ना, अगले इस जन्म को ऐसे जाने दीजिए, फिर अगले जन्म में कुछ और जन्म मिलेगा, ऐसा नहीं है, एक ही मिला है बस। तो अगर आप चाहते हैं कि इस जन्म में आप कुछ मीनिंगफुल करें, है ना, तो आप दूसरे की आवाज़ ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, अपनी आवाज ज्यादा सुनना पसंद करेंगे? आप अपने आप को मुझसे ज्यादा जानते हैं या मैं अपने आप को जानता हूं? कहने का मतलब यह है कि मैं जितना जानता हूं उतना आप जानते हैं मेरे बारे में, या मेरे पेरेंट्स जानते हैं, मेरी वाइफ जानती है, दुनिया की कोई ऐसी चीज है जो मेरे बारे में जानती है? नहीं ना, मैं जानता हूं ना, तो मैं किसकी सुनूंगा? औरों की या अपनी सुनूंगा भाई? या अपने टीचर की सुनूंगा, अपने पेरेंट्स की सुनूंगा, अपनी वाइफ की सुनूंगा, अपने मेंटर्स की सुनूंगा, दुनिया के हर इंसान की सुनूंगा? नहीं भाई, नहीं, मैं अपनी सुनूंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। बचपन से लेके अब तक जो मेरा माइंड बना है, मेरा माइंड सेट है, जो इन्फॉर्मेशन है, कोई नहीं जानता। और यही गलती हम कर देते हैं, इसी वजह से हमें सक्सेस नहीं मिल पाती, क्योंकि हम पूरी जिंदगी बाहर की आवाज सुनते रहते हैं, पूरी जिंदगी हम उन लोगों की सुनते रहते हैं जो हमें अपने हिसाब से बोलते हैं, यानी कि वो तो अपने अंदर की आवाज से जो बोल रहे हैं आपने उसे ही मान लिया, यानी कि वो उनकी आवाज थी और आपने उसको अपनी आवाज में बदल दिया, जबकि आपकी वो आवाज नहीं थी, उनकी आवाज थी वो, समझ रहे? तो यही है, यही प्रॉब्लम हो गई है, मैं सच बता रहा हूँ। हमने दूसरे की आवाज से सुनना, अपने दूसरे की आवाज से चलना शुरू कर दिया और अपनी आवाज बिल्कुल मोड़ दी। लेकिन जिस दिन आपको रियलाइज होगा ना कि भाई भगवान ने एक ही जिंदगी दी है ना, तो मैं अपनी आवाज सुनू, मैं जो करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मुझे वो मैटर करता है,
जिस दिन आपको ये रियलाइज हो गया वही दिन है, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी, सिंपल। उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये रियलाइजेशन आना भी खुद में बहुत बड़ा काम है, उसमें 5, 10 साल, 15, 20 साल और पता नहीं पूरी जिंदगी भी लग सकती है। मैं खुद इतने सालों से इस चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मुझे हाथ में ज्ञान हुआ एक दिन और मैं बैठ के ऐसे करने लगा। मैंने भी बुक्स में पढ़ी है, मैंने भी लोगों से सुना है, मैंने भी सही चीजें फॉलो करी है, सही एनवायरमेंट से मैंने फॉलो करी है, तभी ये चीजें समझी है, है ना। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे एक दिन एनलाइटमेंट हुआ और मैंने शुरू कर दिया ये सब चीजें, अंडरस्टैंड। तो भाई आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप अपने अंदर की आवाज सुन पाएंगे। और ये सबसे मेरे लिए अब तक की जो वीडियो है ना, उसमें सबसे फेवरेट वीडियो यही है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर की आवाज सुनना नहीं जानते ना, तो आप मरे हुए के समान, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आप अपने अंदर की आवाज नहीं सुन रहे हैं तो, अंडरस्टैंड। 6th पॉइंट, ट्रस्ट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। जी हाँ, हमारा जो पास्ट है ना, वो हमें सिखाता है सही डायरेक्शन देना। जी हाँ, क्योंकि आपका पास्ट ही आपकी फ्यूचर को दर्शाता है, आपका पास्ट ही आपका फ्यूचर तय करता है, आपका पास्ट ही आपको सही डायरेक्शन देता है लाइफ में, है ना। तो आपका पास्ट एक बहुत बड़ा जरिया है आपके इंट्यूशंस को कनेक्ट करने में, आपकी इनर वॉइस को सुनने में। जब आपको समझ में आता है ना, जब आप पास्ट में धक्के खाते हैं, जब आप पास्ट में फेलियर्स महसूस करते हैं, तो आपको एक टाइम, एक दिन ऐसा रियलाइज होता है कि भाई ये मैं, इतने साल हो गए मुझे, मैं दुनिया के हिसाब से चला हूं, मुझे रत्ती भर भी मेरी वैल्यू नहीं हो रही है, हर जगह धिक्कारा जा रहा है। ओशो ने एक बात बोली थी, ओशो बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु रह चुके हैं, आप उनके बारे में देख सकते हैं। उन्होंने बोला कि जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाए ना कि ये दुनिया आपको सिर्फ धक्कारने के लिए बनी है, आपको धक्का, आपको बस आपको नीचे गिराने के लिए बनी है, उस दिन आप उठ जाते हैं, जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाता है। तो आपको ये रियलाइज होना है कि ये इतना टाइम हो गया मुझे ये सब करते हुए, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं दूसरा मुखौटा पहन रखा है मैंने और लोगों का, और उन्हीं के मुखौटों से मैं चल रहा हूँ। तो जिस दिन आपको रियलाइज हो जाता है ना कि अगर मुझे चीजें सही करनी है, मुझे एक हेल्थी लाइफ चाहिए, मुझे एक पीसफुल हैप्पी लाइफ चाहिए, मैं जैसी लाइफ चाहता हूँ वैसी मुझे चाहिए, तो मैं सच बता रहा हूँ वही दिन आपकी लाइफ का बिल्कुल चेंज कर देगा। वही दिन होगा जब आप अपने आप को, अपने अंदर की आवाज सुनेंगे, और किसी की नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि आपने देख लिया सबकी आवाज सुनते हुए, आपने सबकी आवाज सुनते हुए देख लिया, और आपने देख लिया कुछ नहीं हुआ भाई, सबकी आवाज सुनी और कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। लेकिन अपनी आवाज जिस दिन आपने सुनी, जिस दिन से आपने अपनी आवाज सुनी, उस दिन से आप जो करना चाह रहे हैं वो हो रहा है ना। तो मैं यही बोल रहा हूं आपको कि आपका जो पास्ट है वो सबसे बड़ा टीचर है, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं इंट्यूशन से कनेक्ट करता है, आपकी इनर वॉइस से कनेक्ट करता है। ओके, 7th पॉइंट, प्रैक्टिस सेल्फ ट्रस्ट। जी हाँ, अपने ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई इंसान नहीं है जो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, क्योंकि हर किसी की फिंगर आपकी तरफ है, उसने अपनी फिंगर अपनी तरफ कभी करी ही नहीं किसी भी इंसान ने, उसकी फिंगर बस आपकी तरफ है, उसने ये जो पीछे वाली 3 उंगलियां हैं कभी देखी नहीं, इसको भूल गया वो, उसने बस ये 2 देखी है, उसके हाथ में बस ये आगे वाली फिंगर और ये अंगूठा है, बस ये 3 भूल गया वो एक्चुअली, तो कोई आपको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा अगर आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे, अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं सच बता रहा हूँ, ये सच है बहुत बड़ा, है ना। तो जिस दिन आप अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट करने लगते हैं, उस दिन आपका इंट्यूशन आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में, उस दिन आपकी इनर वॉइस आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने में। चाहे आपको फेलियर मिलते हैं, चाहे आपको सक्सेस मिलती है, चाहे आपको आपके साथ कितना भी खराब क्यों ना हो, आपकी वाट क्यों ना लग जाए, लेकिन अगर आप अपने इंट्यूशन को पकड़े रहते हैं ना, तो एट द एंड यू विल विन द वॉर एक्चुअली। यस, आप उस वॉर को, ये जो युद्ध है उसको जीतने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, ये सब आपकी हेल्प करते हैं आपकी इनर वॉइस को फाइंड करने में। और ये मैंने जैसे बोला, ये सबसे स्ट्रॉन्ग वीडियो है मेरी अब तक की जितनी भी मैंने बनाई है, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन रहे हैं तो आप इंसान ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको जन्म दिया है, भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है अपनी इनर वॉइस सुनने के लिए, ना कि दूसरों की वॉइस सुनने के लिए, है ना। तो अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, आपके अंदर की आवाज़ है, हर किसी के अंदर से आवाज़ आ रही है, और वो बहुत हल्की आवाज़ है, विस्पर कर रही है आपके कान में बस। अब आप, बट क्या हो रहा है कि आपका ध्यान बाहर की दुनिया में, अंदर की दुनिया में है ही, लेकिन अगर आप आंखें बंद करके उस आवाज़ को थोड़ी देर 10-15 मिनट सुनते हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ बाहर की दुनिया में मिराकल होने लगेगा।